हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से। और टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले डेल्टा कॉर्प लिमिटेड से स्टॉक में लास्ट ट्रेडिंग डे को 4 रुपए की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक 2.5% से भी ऊपर की करेक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अभी स्टॉक करंट लेवल पर 140.85 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक के रिटर्न्स की बात करें तो पीछे के एक सप्ताह के अंदर स्टॉक में 2.5% की तेजी देखने को मिली है, तो वहीं 1 महीने में 6% की गिरावट, 3 महीने में पॉजिटिव ट्रेंड, 6 महीने में 22% की गिरावट और 1 साल के अंदर 27% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिली है। तो जिन निवेशकों ने इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म से होल्ड किया है उन्हें तो काफी बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है इस स्टॉक में, परंतु पीछे के एक सप्ताह से इस स्टॉक के निचले लेवल पर स्टॉक में एक रिकवरी होती हुई नजर आई। लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा, जहां पर स्टॉक काफी टाइम से एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का नीचे के एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 123 रुपीज। 123 रुपीज इस पॉइंट पर स्टॉक का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। यहीं से स्टॉक में एक अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, पर स्टॉक में ऊपर एक रुकावट रेंज है 157 रुपीज का, जो स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट नहीं दे पा रहेगा। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलती है, तो अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 133 रुपीज, जहां पर स्टॉक ने एक सपोर्ट लेवल बनाकर स्टॉक में एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। 133 रुपीज के एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 165 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक में एक बड़ा मूवमेंट जब आता नजर आएगा जब स्टॉक 157 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देगा, जो कि स्टॉक का एक रुकावट रेंज है। स्टॉक जैसे इस प्राइस को ब्रेकआउट देता है स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए बड़ी रैली देखने को मिलेगी। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।